हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ बालसम के प्लांट लगाने वाली हूँ। तो आप अभी इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये देखिए कितने सारे प्लांट मैंने निकाले, मेरे जरबेरा के प्लांट में ग्रो हुए थे और बहुत सारे ढेर सारे इसी तरह से कहीं भी ग्रो हो जा रहे हैं। तो ये देखिए अडेनियम में भी ग्रो हुआ है छोटा सा, तो इसको तो मैं निकाल करके हटा दूँगी क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा प्लांट हो गए हैं कि मुझे अब इनको लगाना भी नहीं है। बहुत सारे ढेर सारे प्लांट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। हर प्लांटर में ग्रो हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए अडेनियम के प्लांट में ग्रो हुआ है। यहाँ दो प्लांट मैंने इनको रिपोर्ट कर लिया था। ये देखिए यहाँ पर तो वाइट और रेड कलर के मेरे बालसम है, मतलब थोड़ा पिंकिश से कलर के। और जितने भी मतलब हर जगह ये ग्रो हो जाते हैं अपने आप ही सीड से, क्योंकि इनका जो कंपोस्ट मैंने डाला था, इनके प्लांट पुराने, उसी की वजह से ये सभी में ग्रो हो रहे हैं। देखिए दो प्लांट यहाँ पे एक पॉलीबैग में भी ग्रो हुए, इनको भी रिपोर्ट कर लेना था मुझे, लेकिन नहीं किया मैंने अभी तक। तो काफ़ी सारे मैंने रिपोर्ट भी किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कई सारे प्लांट लगा दिए हैं, इनको छोटे छोटे प्लांट हर प्लांटर में अपने आप ही ग्रो हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी ये ग्रो हुआ है और ये मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं इतने सारे प्लांट। तो चलिए इनको भी लगा देते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर भी मैंने लगा दिए थे, देखिए तो कितने अच्छे घने हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी से हो गए हैं कि प्लांट कितना ज़्यादा बूसी है, ये देख सकते हैं आप। और मेरे कुछ प्लांटर भी आज मैंने खाली किए, थोड़े सा मैंने गार्डन को सेट भी किया है। तो मैं इनकी मिट्टी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करूँगी, बस इनको ऐसे ही लगा दूँगी क्योंकि बस ये 2 महीने ही फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, जैसे गर्मी का मतलब ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो ये मेरा पुराना डहेलिया का प्लांट है यहाँ पर, और पता नहीं इसमें डहेलिया के बल्ब बचे हैं या नहीं बचे, क्योंकि बाकी तो सारे ग्रो हो गए लेकिन इसका अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है इसके बल्ब ख़राब हो चुके हैं, तो हम इसी में इस प्लांट को लगा देंगे। इसी प्लांटर में देखिए डहेलिया के जो बल्ब थे वो ख़राब हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल करके बाहर रख देंगे। और क्योंकि बाकी जितने मेरे प्लांट थे सारे ही ग्रो हो चुके हैं। और ये देखिए एक एक प्लांट मैंने मिट्टी सहित निकाली ताकि इनको कोई स्ट्रेस ना हो और ये बहुत आसानी से लग जाए। तो इस तरह से आप बालसम को ग्रो कर सकते हैं, अभी भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं सीड से, क्योंकि रेनी सीजन का जो प्लांट है बहुत बेस्ट प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसमें सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो रेनी सीजन में हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, तो आप इस तरह से प्लांट इनको ग्रो कर लीजिए, क्योंकि रेनी सीजन का ही पौधा होता है। चलने को तो विंटर समर में भी थोड़े बहुत चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप इसको पसंद नहीं है, तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है मेरे यहाँ, तो नहीं हो पाता है। तो ये देखिए एक ये बड़ा प्लांटर है, 10 इंच का प्लांटर है, तो मैं इसमें दो प्लांट लगा दूंगी, एक रेड और एक इसमें दो लगे हुए हैं। बहुत सारे प्लांट हो गए, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। आप चाहे देखिए कितनी सारी इसमें रूट्स निकल रही हैं, तो जहाँ से रूट्स के नोड हो वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। तो अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप उससे ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। और ये देखिए हमने इसको लगा दिया, और आप चाहे तो शाम को लगाइए, मैं तो अभी सुबह लगा रही हूँ, मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया, समर रेनी सीजन का बेस्ट पौधा है, आप भी ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन में ढेर सारे फूल पाइए। इसमें मैं लगा देती हूँ, ये भी खाली पड़ा हुआ है, इसमें मेरा शायद विनका लगा हुआ था जो ख़राब हो गया, मेरे नहीं रहने की वजह से मेरे सारे विनका ख़राब हो गए, पर अब उनको मैं नहीं करूँगी कुछ भी, हटा दूंगी सारे प्लांटर से सारे प्लांट को, ताकि मैं उनमें कुछ दूसरा चीज़ लगा सकूं। बालसम भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो हम बालसम ही लगा देंगे इस तरह से उन गमलों में, तो ये भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है विनका के लिए। तो आप लगाइए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे प्लांट अब ख़राब हो चुके हैं, तो मैं न्यू प्लांट ला करके नहीं लगाऊँगी अभी रेनी सीजन में। तो ये देखिए इसमें लगा दिया हमने एक प्लांट में, इसी में लगा देती हूँ। तो पुरानी मिट्टी ही हमारी, थोड़ी बहुत इस पर फर्टिलाइज़र तो हो गई, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत आसानी से ग्रो होते रहते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस में आएंगे अभी, बस मिट्टी मैंने लगी रहने दी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा प्लांट, क्योंकि मैंने मिट्टी सही निकाली थी और एक प्लांट और बच गया है। तो देख लेते हैं, इसको भी लगा देते हैं कहीं पर, बहुत सारे प्लांट हैं। ये देखिए ये रेड कलर वाला है, रेड या पिंक दो में से कोई, क्योंकि इनकी स्टेम से पता चलता है इनके कलर का, तो नहीं पता अभी तो फिलहाल मुझे, वैसे वाइट वाले में वाइट फ्लावर ही आते हैं जो वाइट कलर की स्टेम होती है। तो ये देखिए हमने इसको लगा दिया, थोड़ा सा मुरझाएगा लेकिन शाम तक में ही वापस से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लगा दिया, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है और इस तरह से लगा दिया।
और आप चाहे तो उसमें थोड़ा पानी दे देनी, मिट्टी गीली है। कल रात को हमारे यहाँ खूब तेज़ बारिश हुई है, रात में बारिश होती है लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बस हमने लगा दिया और उसको अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा पानी आप दे सकते हैं, नहीं तो बारिश का पानी मिलता रहेगा तो ये उसी से अच्छे हेल्दी ग्रो होते रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।